निर्मल खत्री जी, प्रदीप माथुर जी, नसीब पठान जी, पीएल पुनिया जी, के राजू जी, अशोक तंवर जी, भगवती चौधरी जी, हमारे एमपीज और एमएलएज, सीनियर नेता, दलित नेता, हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मीडिया के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आज हम यहां डॉक्टर अंबेडकर जी की याद में आए हैं। कांग्रेस पार्टी और आरएसएस की आज देश में लड़ाई चल रही है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन जो अंबेडकर जी ने हमें दिया, जो हर हिंदुस्तान के व्यक्ति को जगह देता है, एक अपॉर्चुनिटी सबको देता है, और दूसरी तरफ आरएसएस की मनुवादी सोच। हमारा कहना है कि लाइन में जो आखिरी आदमी खड़ा है उसको भी हिंदुस्तान के भविष्य में खड़ा होना चाहिए, उसके लिए भी जगह बननी चाहिए, उसका भी भविष्य बनना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी लाइन के अंत में जाके देखती है कौन खड़ा है और उसको शक्ति देने की कोशिश करती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बात आई, और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट था वो, दो तीन बार नहीं लिखा जाएगा, हमारी हिस्ट्री में सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, और सबसे जरूरी चीज थी इस देश के लिए। कांग्रेस पार्टी एक तरफ और मिलकर भीमराव अंबेडकर जी के साथ इस देश को वन मैन वन वोट दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसने हमें पिछले 70 सालों में जबरदस्त प्रगति दी है। जरूर कमियां रही हैं, जितना आगे दलितों को पहुंचना था, जितनी प्रगति दलितों को होनी थी वो शायद नहीं हुई, बहुत काम हुआ, बहुत प्रगति हुई। उनकी सोच अलग है। पार्लियामेंट में मैं आरएसएस के लोगों के बीच एपीएस के लोगों से मिलता हूं, और वो मुझसे सवाल पूछते हैं, आप गरीबों के घर क्यों जाते हो, गरीबों के घर क्यों जाते हो, आप गरीबों के साथ क्यों खाना खाते हो। वो जो लाइन के सामने होता है जो सबसे तगड़ा होता है उसको पूरी शक्ति देना चाहते हैं, और जो पीछे खड़ा है उसको वो दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। इसलिए वो हैरान होते हैं जब मैं जाकर गरीबों के घर में जाता हूं और उनके साथ खाना खाता हूं। कहते हैं कि देखो ढोंग हो रहा है। वो ये नहीं समझते कि जो सच्चा कांग्रेसी होता है उसके दिल में गरीबों का दुख उसके दिल में होता है, और वो अपने काम में उस दुख को ढूंढने की कोशिश करता है और उस दुख को कम करने की कोशिश करता है।
खत्री जी ने कहा कि बीएसपी ने सही काम नहीं किया। मैं बीएसपी में और मायावती जी में और कांचीराम जी में मैं अंतर डालना चाहता हूं। कांचीराम जी ने, ये मेरी सोच है, कांचीराम जी ने दलितों के लिए अच्छा काम किया, और जो मगर जो उन्होंने प्लेटफॉर्म मायावती जी को दिया उसका प्रयोग मायावती जी ने ठीक से नहीं किया। और जहां जिस प्रकार से दलितों को यूपी में फायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मायावती जी ने बीएसपी में दलित नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ाया। एक बार वो चीफ मिनिस्टर बन गई तो जो बाकी दलित थे, और उनसे मैं मिला हूं, उनके जो संगठन के लोग थे, उनको कुचलने का काम, उनको दबाने का काम मायावती जी ने किया। अगर मायावती जी उनकी शक्ति का प्रयोग करती और अगर वो दलित नेतृत्व से घबराती नहीं, नए युवाओं, युवा दलितों से घबराती नहीं, तो फिर कांग्रेस पार्टी के सामने मौका नहीं मिलता। सच्चाई यह है कि आज कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि दलित आज देख रहा है और पूछ रहा है, अपने आप से पूछ रहा है कि जिस प्रकार से हमें फायदा मिलना चाहिए था पिछले 10 साल में वो नहीं मिला। जब हम मायावती जी के पास जाते हैं तो मायावती जी पूरा का पूरा पावर अपने हाथों में पकड़ लेती हैं, और हमारी जो दलितों की शक्ति है उसका ठीक से प्रयोग नहीं करती। उनके दिमाग में सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी दलित युवाओं को, दलित नेताओं को उत्तर प्रदेश में जगह दे सकती है या नहीं? और मुझ में पूरा भरोसा है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने उनको जगह दी और उनका हाथ पकड़ लिया तो यूपी बिल्कुल बदल जाएगा। और इसीलिए हम आज आपसे मिलने आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के दलित युवाओं से कहना चाहता हूं कि हम आपको कांग्रेस पार्टी में बुलाना चाहते हैं, आपको मौका देना चाहते हैं, आपको शक्ति देना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जितनी प्रगति आपको उत्तर प्रदेश में मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में नया युवा दलित नेतृत्व तैयार करना चाहता हूं हर प्रदेश में। सिर्फ दलित नेतृत्व नहीं, हर जात का, हर धर्म का नेतृत्व। मगर हम आपसे दलितों की बात कर रहे हैं इसलिए मैं दलितों के बारे में कह रहा हूं। कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद गया और वहां रोहित वेम्युला को हिंदुस्तान की सरकार ने मारा। अखबार में आया कि एक दलित युवा ने आत्महत्या की है, मगर जब मैं वहां गया और मैंने उनके, रोहित के दोस्तों से बात की, तो मुझे यह समझ आया कि रोहित ने आत्महत्या नहीं की थी। रोहित को इतना कुचला, इतना दबाया कि उसने आत्महत्या की। क्यों आत्महत्या की? रोहित के दिल के अंदर दर्द था, वो सिर्फ अपने दर्द के बारे में बोलना चाहता था,
और कुछ नहीं करना चाहता था, उसके उसके दिल में दर्द था, वो उसके बारे में बोलना चाहता था। और जब उसने यूनिवर्सिटी में बोलना शुरू किया कि मेरे लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, मुझे दबाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी मुझे जगह नहीं दी जा रही, तो हिंदुस्तान की सरकार ने अपना पूरा वजन उसके ऊपर डाल दिया। जो रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो हमारे कॉलेजेस हो, स्कूल हो, जितनी जगह कमजोर लोगों के पास होनी चाहिए, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, गरीब लोगों के पास, वो नहीं मिलती है। आज बीजेपी की सरकार स्वास्थ्य को और शिक्षा को बिजनेस बना रही है। आप गुजरात में देखिए, मोदी जी गुजरात मॉडल की बात करते हैं, मगर वहां का सबसे मजबूत समाज पटेल समाज वहां उनके खिलाफ खड़ा है और कह रहा है कि शिक्षा के सिस्टम से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अब अगर उनको कुछ नहीं मिल रहा है, कॉर्पोरेट शिक्षा के सिस्टम से, तो दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बीजेपी के आरएसएस के लोग शिक्षा में एक विचारधारा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोच है कि सबको एक जैसी जगह मिलनी चाहिए, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे दबा रहे हैं? आप देख लीजिए, हिंदुस्तान के वाइस चांसलर की लिस्ट देख लीजिए, वाइस चांसलरों की आप लिस्ट देख लीजिए, सब के सब आरएसएस डालती है अंदर। वहां पे हैदराबाद में कट्टर आरएसएस का आदमी वाइस चांसलर बना हुआ था, और उसी ने रोहित वेमुला को दबाया और खत्म किया। पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने रोजगार का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, आदिवासियों को हमने उनकी जमीन दी, किसानों को हमने कर्जा माफ किया। ये सब जो प्रोग्राम थे, ये गरीब लोगों को शक्ति देने के प्रोग्राम थे। मनरेगा में हम ये नहीं पूछते थे, भैया आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आप कहां के हो। भोजन के अधिकार में हमने ये नहीं पूछा, भैया आपकी जात क्या है। हमने सिर्फ ये कहा कि अगर आप गरीब हो, आपकी जात कोई भी हो, तो आपको भोजन का अधिकार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और इससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली, करोड़ों लोग गरीबी से निकले। बीजेपी एक एक करके ये जो गरीब लोगों के प्रोग्राम है, इनको खत्म करने की कोशिश कर रही है। मोदी जी खड़े होते हैं पार्लियामेंट में और कहते हैं मनरेगा को मैं बंद नहीं करूंगा। क्यों बंद नहीं करूंगा? क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कैसी बड़ी गलतियां की। गरीब लोगों को रोजगार देना वो गलती मानते हैं, गरीब लोगों को एक जिंदगी देना वो गलती मानते हैं। फिर उनके फाइनेंस मिनिस्टर मेरे पास आते हैं, एक दिन बातचीत में मुझे कहते हैं कि नरेगा जैसा प्रोग्राम हिंदुस्तान में नहीं है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो मैंने उनसे कहा, अरुण जेटली जी, ये आप क्या कह रहे हैं मुझे? प्रधानमंत्री आपके लोकसभा में खड़े होते हैं और कहते हैं कि मनरेगा सबसे खराब प्रोग्राम है, और आप मेरे कमरे में कह रहे हो कि मनरेगा से पूरे हिंदुस्तान को फायदा हुआ है, गांव में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, गांव में पैसा आया है, गांव में मोटरसाइकिल आई है, गांव में टेलीविजन आया है, गांव में टूथपेस्ट आया है, तो आप ये बाहर क्यों नहीं कहते? चुप हो गए। हम इन प्रोग्रामों के लिए लड़ेंगे, चाहे वो मनरेगा हो,
चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे वो जमीन की बात हो, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, दलितों की लड़ाई हो, आदिवासियों की लड़ाई हो, अल्पसंख्यकों की लड़ाई हो, जहां भी हमें गरीब लोगों पे अत्याचार दिखेगा हम वहां पे आपको दिखाई देंगे। और ये जो बीजेपी के लोग हैं जो इस देश की प्रगति को रोकना चाह रहे हैं, जो इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोच फैल रही है इसको रोकना चाह रहे हैं, हम इनसे लड़ेंगे और इनको रोकेंगे। ये नया नारा है। आप कैसे हो? ठीक हो? अरे आपको पद की क्या जरूरत है? आप तो मेरे साथ खड़े रहते हो बिल्कुल। बाद में बात करना मुझसे, ठीक है? तो मैं आपसे यह कहना चाहता था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को गांव में जाना है, कस्बों में जाना है, और आप सब दलित नेता, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपको हमें गांव गांव में दलितों से जोड़ना है, नए युवाओं को कांग्रेस पार्टी के अंदर लाना है, नई ऊर्जा कांग्रेस पार्टी के अंदर लानी है। अंत में अभी चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती तो मैं खत्री जी को, मिस्त्री जी को और आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं खत्म करने से पहले, और आप शायद बात मानो या नहीं मानो, मगर एक साल में, एक डेढ़ साल में आपको दिख जाएगा, एक साल कुछ महीनों में आपको दिख जाएगा, आप देखना उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है। आप लिख के ले लो और जेब में डाल दो, और चुनाव के बाद वो पेपर निकाल लेना, देख लेना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।